आज भोपाल में महेंद्र सिंह सिसोदिया पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि नवीन टेकरी रोड का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सागर सिंह सिसोदिया के नाम पर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बात को लेकर बिना तथ्य जाने मामले को तुल देने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आज कार्यालय नगर परिषद गुना द्वारा दी गई स्वीकृति पत्र भी दिखाया गया। दो दिन से मुझे बुखार था, इसलिए मैं विधानसभा में भी नहीं गया। कोविड का चेकअप कराया और आज 1:30 बजे मेरी रिपोर्ट आई है कि मेरी रिपोर्ट्स नेगेटिव है, इसलिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। एक मुद्दा जो गुना में कुछ दिन पूर्व अभी हुआ और उस झूठे मुद्दे ने सोशल मीडिया के माध्यम से, कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से बिना जानकारी लिए और उसको तूल दिया, और वो मुद्दा था मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री सागर सिंह जी सिसोदिया, जो फ्रीडम फाइटर थे, देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने 5 साल जेल की सजा और 1 महीना काल कोठरी में बिताए, जो चंद्रशेखर आज़ाद के निकट सहयोगी थे और चाचोड़ा से 2 बार विधायक भी रहे, उनके नाम से 2019 में नगरपालिका परिषद ने PIU की मीटिंग करकर संकल्प पारित किया कि जो बूढ़े बालाजी टेकरी रोड है उसका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री सागर सिंह जी के नाम से किया जाए, और उसका कार्यक्रम भी विधिवत रखा और नगरपालिका परिषद ने ही माननीय सांसद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया, मंत्री होने के नाते मुझे इनवाइट किया, माननीय तुलसीराम सिलावट जी को इनवाइट किया, माननीय भूपेंद्र सिंह जी नगरी प्रशासन मंत्री जी को इनवाइट किया और लोकल के विधायक आदरणीय गोपीलाल जी को भी इनवाइट किया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक समाचार पत्र ने बिना कलेक्टर और बिना CMO से बाइट लिए हुए, बिना हमारी जानकारी के, और उसको ये साबित करने का प्रयास किया कि ये सड़क मंत्री के दबाव में हुई है और ये सड़क का नामकरण तो पूर्व में ही देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से हो चुका है। देवी अहिल्याबाई होलकर जी हमारी आराध्य है, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे, हमारी प्रेरणा है, हमारी आस्था है, मगर जब हमने कागजों में ढुलवाई कराई तो हमें यह स्पष्ट ज्ञात हुआ कि वो सड़क थी ही नहीं बल्कि यह खेत था, और जो दानदाता थे उन खेत के, उन्होंने सिर्फ ये मांग करी थी कि एक चौराया जो है वो देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम से स्थापित किया जाए। पहले तो मैं देवी अहिल्याबाई होलकर के श्री चरणों में नमन कर रहा हूँ, वंदन कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। इस धरती पे राता पूजनीय कोई मात्र शक्ति हो सकती है, महापुरुषों में तो देवी अहिल्याबाई होलकर है, और उनके लिए हमारे बीच में बैठे हुए गुना जिले की ही नहीं, मध्य प्रदेश की एक ताकतवर मंत्री, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में मंत्री माननीय श्री सिसोदिया जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर की धरती के एक और ताकतवर मंत्री मेरे मित्र भी हैं, भाई तुलसी सिलावट जी, और जिन्होंने जमीन को दान में दिया मेरे छोटे भाई, मेरी अखिल भारतीय पाल महासभा जो 1911 की संस्था है, 1934-35 में रजिस्टर्ड हुई है, उस संस्था के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय शिव चरण जी पाल साहब बैठे हुए, युवा के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई श्री प्रदीप जी बघेल साहब बैठे हैं, मान सिंह जी बैठे हैं और धर्मेंद्र सिंह जी बैठे हैं। उन पर साथियों, देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम के चौराहे के ऊपर जो विवाद देश के अंदर, जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनाई है वो ठीक नहीं है। दानदाता सामने बैठे हैं, देवी अहिल्याबाई होलकर जैसी लोकप्रिय न्यायप्रिय धर्म व्यवस्था को लेके चलने वाली अगर कोई मात्र शक्ति और महापुरुष
रानी कहीं हो सकती है तो देवी अहिल्याबाई होलकर। और उसी सोच के साथ मेरे जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष जी ने गुना के एक आयोजन में जमीन को दान में दी नगर निगम नगर पालिका जो भी भाग कि यहाँ ये सड़क बन जाए इस शहर के लिए और इस चौराहे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम को जाए। उसके ऊपर बोर्ड भी लगा, बोर्ड यथावत है, चौराहे यथावत है, सड़क जो बनी है वो स्वतंत्रता सेनानी वो सिसोदिया जी के परिवार के नहीं है, वो देशभक्त थे। स्वतंत्रता में जिनने भाग लिया हो, जो जेल गए हों, वो भी एक महापुरुष के ही समान होते हैं। उनके नाम की एक सड़क का नामांकरण हुआ, नई सड़क का सड़क बनी। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार और माननीय ज्योतिराजे सिंधिया जी को, जिनके कर कमलों से उस सड़क का शुभारम्भ हुआ, शिलान्यास हुआ, उनको बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। ज्योतिराजे सिंधिया जी का परिवार और देवी अहिल्याबाई होलकर के परिवार में बड़ी समरसता थी, एकता थी, भाईचारा था। हम जब से लेके अभी तक निभाते रहे, उस एकता को हम टूटने नहीं देंगे। और सिसोदिया जी जो है इस समाज को बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कभी भी इस समाज का अनदेखा नहीं किया, सुख दुख में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर वो साथ खड़े रहे। और उन्होंने की यही भावना है, वो भी चाहते हैं कि देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम का जो चौराहा है, यहाँ बोट लगा है, वो चौराहे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम का चौराहे रहे। और मैं आपसे आग्रह करूँगा, पूर्व में जिनने घोषणा की या जिनके माध्यम से घोषणाएं हुई थी या जो भी वातावरण हुआ हो, क्या हुआ उनकी वो जाने, परंतु मेरा आपसे आग्रह है, मेरे दोनों मंत्री मेरे भाई भी हैं आपसे, कि अब उसको विधिवत उस चौराहे को करवा दें और देवी अहिल्याबाई होलकर की एक प्रतिमा भव्य लग जाए। और मैं आपसे एक आग्रह करूँगा मीडिया के सामने कि मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के एक ताकतवर नेता, एक ताकतवर चेहरा, मैं तो दमदारी के साथ बोलता हूँ, दमदार आदमी के बारे में बोलता हूँ, हिंदुस्तान में, देश नहीं हिंदुस्तान ही, दुनिया का सबसे ताकतवर अगर कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी है, और उनके बाद मध्य प्रदेश के अंदर कोई ताकतवर नेता है तो ज्योतिराजे सिंधिया जी हैं। उनकी इज्जत पे, उनके मान सम्मान पे हम आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे पदाधिकारी हैं। और उन्होंने जो जमीन दी, आपने शिवशरण जी जिस सोच जिस विचार के साथ देवी के लिए जमीन दिए, मैं देवी अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूँ, मैं कभी भी उनके विरोध में जाने वालों के साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ, उनका कटु शब्दों में विरोध करता हूँ। और जो लोग पीछे से हवा दे रहे हैं मैं उनका भी विरोध करता हूँ। सबसे निवेदन करता हूँ हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश के मेरे समाज के भाइयों से और अन्य जनों से भी, जो देवी अहिल्याबाई होलकर में आस्था रखते हो, उनके आदर्शों को मानते हो, कि इसमें कोई विवाद ना था, ना है, ना आगे रहेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। माननीय ज्योतिराजे सिंधिया जी के कर कमलों से आप प्रतिमा का अनावरण करवाएं, मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। तुलसी भैया कर देंगे ये बोल रहे हो ना, राज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में हो, आपके मार्गदर्शन में हो, मैं भी वहाँ रहूँ और आप भी वहाँ रहें। मध्य प्रदेश का एक भव्य आयोजन गुना की धरती पर होना चाहिए। प्रदीप जी, ताकत के साथ समाज के बीच में खड़े हो जाइए और सबसे आग्रह करिए कि ये कोई विवाद नहीं है, सिसोदिया जी समाज के साथ हैं और स्वतंत्रता सेनानी जी के नाम से हुआ है, पूरा हिंदुस्तान उस सड़क का स्वागत करता है। हाँ, चौराहे अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगे, भव्य चौराहे बने और प्रतिमा जरा अच्छी बनना चाहिए, क्यों आप इंदौर के नरेश हैं, पूरा समाज अच्छा बनना चाहिए, यही मेरा आग्रह है सबसे, मध्य प्रदेश में नागरिकों से मेरा, समाज बंधुओं से आग्रह, कोई विवाद नहीं, किसी के कहने में नहीं आए, चौराहे जो था बूट लगा है, चौराहे का नाम नहीं बदला गया, नई सड़क थी, उसमें जो नाम है मणिवर सिसोदिया जी का, स्वतंत्रता सेनानी थी, हम स्वागत करते हैं। और देवी अहिल्याबाई होलकर का चौराहे भव्य बनेगा, ऐसा मुझे मेरी सरकार पे, मेरे मंत्रियों पे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें, शिवराज सिंह चौहान के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर बधाई देते हुए मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने और कहा कि व्यक्तिगत तौर पर देना चाहता था बधाई, किंतु स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण नहीं दे पाया। शिवराज सिंह जी का आज जन्मदिन है, मैं उनको तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी गरीबों की सेवा इसी तरह तत्परता से करते रहें और सुखमय जीवन और लंबा जीवन उनका रहे और प्रदेश और देश की सेवा करते रहें। आपने शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन कैसे मनाया?
शिवराज जी का जन्मदिन मैं नहीं मना पाया क्योंकि मैं दो दिन से अस्वस्थ था और मैं हाउस में भी नहीं जा पाया। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल।